अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे उबले हुए अंडे की भुर्जी, कीमा भुर्जी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और बनाने में एकदम आसान। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइए, और अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमने लिया है 5 अंडे, जिसको मैंने आधे टुकड़ों में काट लिया है। इसका पीला भाग एक साइड में निकाल कर वाइट वाले भाग को हमें इस जाली की मदद से कद्दूकस करना है। ये गाजर वाली है, एक बारीक और एक मोटा वाला, तो हम मोटी वाली साइड से इसे कद्दूकस करेंगे ताकि इसके मोटे मोटे टुकड़े निकल सके। तो सारे अंडों को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसके पीले वाले भाग को हम हाथों से थोड़ा सा मैश करेंगे। हमें इसे पूरा नहीं तोड़ना, बस इसी तरह से चाहिए। तो अब हम लेंगे एक टमाटर, बड़ी साइज़ का टमाटर है, एक मिर्ची और 4 मीडियम साइज़ के प्याज है। इसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया था। और ये है हरी धनिया। एक कढ़ाई रख दी है जिसमें हमने 4 से 5 चम्मच के करीब तेल डाला है। इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को 3 से 4 सेकेंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे गोल्डन नहीं करना है, बस थोड़ी देर के लिए ये अच्छे से भून लेना है। तो अब इसमें हमें एक मिर्ची काट के डालनी है। इसको हमने 4 टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी हमें कुछ देर के लिए पका लेना है। तो प्याज अच्छे से भून चुकी है। तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, टमाटर को कुछ देर के लिए हम हल्का सा भून लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब नमक, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, गरम मसाला आधा चम्मच,
इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया ऐड करेंगे। हमने इसमें हरी धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो अब हम डालेंगे मैश किए हुए अंडे। पहले हम सफ़ेद वाला हिस्सा डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। एंड में हमें पीला वाला हिस्सा डालना है। तो अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च और डालेंगे, क्योंकि मुझे तीखा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। आपको तीखा कम पसंद हो तो आप स्किप करें। अब इसमें हम पीला वाला पोर्शन डालेंगे, इसे हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना क्योंकि खाने में ऐसे अच्छा लगता है। थोड़ा सा हरा धनिया छिड़केंगे। बस अब रेडी है हमारी डिश। तो अब इसे हम सर्विंग बाउल में। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को आगे तक ज़रूर पहुँचाएँ। बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट।